पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट से बाजार गिरा, भाषण के बाद दोबारा दिखा उछाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को अचानक राष्ट्र के नाम संदेश देने की घोषणा के बाद देश के शेयर बाजार में भी तेजी दिख गई। हालांकि यह तेजी बाजार बंद होने तक बरकरार नहीं रह पाई। इस दिन बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 100.53 अंक गिर गया, बंद हुआ। बुधवार को सुबह 9 बजे जब बीएसई के कारोबारी शुरू हुआ तो सेंसेक्स 38372.03 पर था। जैसे ही पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम देने की खबर आई तो बाजार 38475.93 अंक पर पहुंच गया, जो कि दिन के उचितम स्तर पर था। इसके बाद 11:17 पर सेंसेक्स 38452.97 अंक पर आया। लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी ने संदेश देना शुरू किया तो बाजार नीचे आने लगा। दिन में 12:28 पे तो यह बाजार 38417.85 तक आ गया। संदेश खत्म होने के बाद बाजार गिरना शुरू हुआ और 1:30 बजे तक करीब 38134 तक गिर गया, जो कि दिन का न्यूनतम स्तर रहा। इसके बाद उतार चढ़ाव जारी रहा और बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 38132.88 पर बंद हुआ, जो कि एक दिन पहले के मुकाबले में 100.53 अंक कम है। राष्ट्रीय शेयर बाजार में निफ्टी भी 38.20 अंक गिरकर 11,04,045.5 अंक पर बंद हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।